वफाकी वजीर साद रफीक सरबरा तहरीक इंसाफ इमरान खान पर बरस पड़े। उनका कहना है कि चढ़ाई की बातों से कुछ नहीं निकलेगा, आप इस्लामाबाद और वजीर आजम हाउस में आकर बैठ भी जाएं तो शहबाज शरीफ से असम्बली नहीं तोड़वा सकते, इसलिए कि ये फैसला मुस्लिम लीग नून ने तनहा नहीं करना। चढ़ाई की बातें कर रहे हैं, इसमें से भी कुछ नहीं निकलेगा। आप कैपिटल में आके बैठ जाएं, वज़ीर आज़म हाउस में आके बैठ जाएं, आप शहबाज शरीफ से असेंबली तोड़वा सकते हैं? नहीं तोड़वा सकते। और हम अकेले भी ये फैसला करने के मजाज में, हम एक इत्तेहाद है, तो काम आप कर ही नहीं सकते, तो इतनी मश करने की क्या जरूरत है? आप अगर बात करना चाहते हैं तो आप असेंबली में तशरीफ ले आते। ये जो चल रहा है ना, ये मुल्क के मफाद में नहीं। हमारे पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड टाइम नहीं है रियासत को ठीक करने। हर वक्त चोर चोर की रट लगानी, कभी करप्शन के नारे लगाने और साबित कुछ भी ना कर सकना। जो पवित्र बनते हैं अपने, उनके हालात पहलों से भी बदतर हो, पॉजिटिव काम भी कर सकते हैं। टाइम लड़ने का था या सैलाब जदगान की सर्विस करने का था? मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कि वो होश का दामन थामे। आप कल इलेक्शन करवा देते हैं तो इलेक्शन के रिजल्ट ही नहीं मान लें तो कल इलेक्शन क्यों कराया जाए? धींगा मुश्ती की सियासत में से सिवाय तबाही के कुछ नहीं मिलेगा।